जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो रास्ते हैं। असम में कोलोंग नदी के किनारे बसे नागांव जिले में ये है सखी वन स्टॉप सेंटर, जो पीड़ित महिलाओं को उम्मीद भरा एक नया रास्ता दिखा रहा है। हमें अपने काम में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और कानूनी मदद हमेशा से मिलती रही है। मेरे हस्बैंड ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, वहाँ में शराब पी के मुझे बहुत टॉर्चर किया था। एक दिन उन्होंने प्रोस्टिट्यूट को भाड़ा घर पे ला के मुझे दम दिया था, प्रोस्टिट्यूट ने मुझे मारा भी था। मैंने फिर 181 ऑफिस में फोन किया था, उनको कॉल किए थे मैंने। हेलो, वहाँ कौन है? हाँ, मैं महिला हेल्पलाइन से हूँ, कृपया बोले। 181 महिला हेल्पलाइन से ये केस ईमेल द्वारा वन स्टॉप सेंटर तक पहुँचा और बस गायत्री की जिंदगी में उम्मीद के दरवाजे खुलने लगे। हमने पुलिस की मदद से उन्हें छुड़ाया, हमने उन्हें सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दी। एक दिन के बाद हम उस महिला को 5 दिन के आश्रय के लिए नागांव वन स्टॉप सेंटर भी ले गए। हमने उसकी कुछ समय काउंसलिंग की। थोड़े समय सब ठीक चला, लेकिन फिर गायत्री के पति ने शराब पीना शुरू कर दिया। सखी वन स्टॉप सेंटर हमेशा उनसे संपर्क में रहा। गायत्री के पति को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया, जहां उसका पूरा इलाज हुआ। उसे पुनर्वास केंद्र भेजा गया था, वह पूरी तरह से ठीक हो गया। बाद में पति पत्नी दोनों मुझसे मिलने आए। मैं तो समझौते की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। मेरा हस्बैंड तो मेरे से तलाक लेने का जैसा हो गया था। वन स्टॉप ऑफिस ने मुझे एक नया जीवन दिया। अब दोनों अच्छे से रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं, भविष्य के नए सपने देखते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर हर पीड़ित महिला को नया सहारा दे रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर, एक दस्तक खुशियों की।